बिहार की शान, बिहार की सबसे लग्जरी। पहले तो आपको बेडरोल वगैरह का सामान रखा हुआ दिख जाएगा, टिक डोर है, तो 5 मिनट पहले डिपार्चर से भाई अंदर आके बैठ जाएंगे। तो हमारा इवनिंग स्नैक्स हमको सर्व कर दिया गया इसमें। पूरे सावन का महीने आपको इस ट्रेन में सिर्फ वेज फूड ही सर्व होगा। इसको अनबॉक्स करके देख लेते कि भाई क्या क्या है। अब तक तो है तो फिलहाल पूरा गर्म, एक जो हमारा इवनिंग स्नैक सर्व हुआ था उसके मुकाबले। गेट ही नहीं खुल रहा था, हमें लगा गेट कोई अंदर है टॉयलेट में। देवियों सज्जनों, मेरा नाम है शशांक, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो आज हम ट्रेवल करने वाले हैं बिहार की शान, बिहार की सबसे लग्जरी, इंडिया की पहली तेजस राजधानी यानी कि नई दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना राजधानी एक्सप्रेस में। ये ट्रेन डेली नई दिल्ली से शाम को 5:10 पर डिपार्ट करती है और अगले दिन सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग पहुँचा देती है राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना। बाकी अभी हम लोग हैं अजमेरी गेट के साइड और ट्रेन डिपार्ट होने में लगभग अभी 15-20 मिनट का टाइम बाकी। और भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है। बाकी चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, करते हैं ट्रेन को बोर्ड और शुरू करते हैं शान बिहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस की धमाकेदार जर्नी को। तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ट्रेन भाई ऑलरेडी लग चुकी है। बाकी आज की जर्नी हमारी होने वाली है थर्ड एसी में, कोच है हमारा B1, सीट नंबर है 35। चलो चलते हैं भाई, पहले ट्रेन को बोर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश रेश हो लेते हैं क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक जर्नी फिनिश करके आ रहा हूँ। वो ट्रेन हो गई थी भाई अपनी 2.5 घंटा लेट, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, बस भाग दौड़ करके जैसे पहुँच गया नई दिल्ली 20 मिनट पहले ट्रेन डिपार्ट होने के। बाकी जी ये आज का हमारा कोच BE1, कोच अपना B1 था लेकिन वो भाई बिल्कुल पैक। और BE1 का मैंने करंट में चेक किया ना, लगभग पूरा कोच खाली पड़ा, साइड लोअर भी इस कोच में खाली है। तो चलिए इसी कोच को बोर्ड करते हैं। तो लगेज मैंने भाई अपना एक साइड लोअर के पास रख दिया। बाकी चलो अब चल के आपको इंटीरियर दिखा देते हैं तेजस राजधानी का। काफ़ी टाइम बाद मैं किसी तेजस राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा हूँ। लास्ट जो मैंने ट्रैवल किया था वो थी अगस्त क्रांति राजधानी। बाकी चलिए जैसे ही आप कोच के अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करते सबसे पहले तो आपको बेडरोल वगैरह का सामान रखा हुआ दिख जाएगा डोर के पास। बाकी ये अपना बेसिन हो गया, टैप में पानी आ रहा है, मिरर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है लेकिन अपनी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऑटोमेटिक डोर है तो 5 मिनट पहले डिपार्चर से भाई अंदर आके बैठ जाएंगे। बाकी थोड़ा सा भाई जो है ना डैमेज है इंटीरियर, ये आप देख रहे हैं ना हालत, लेकिन ठीक ठाक है अगर देखा जाए तो। बाकी CCTV कैमरा लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है, वॉशरूम की कंडीशन बाद में देखेंगे। और जैसे ही आप कोच के अंदर एंट्री करेंगे, लगेज हमने यहाँ रख दे, क्योंकि ये जो पूरा कंपार्टमेंट है ना भाई पूरा खाली है पटना तक। सामने आपको एक मिरर मिल जाएगा, इसके साथ यहाँ पर रीडिंग लाइट दी गई है, चार्जिंग सॉकेट तीनों के लिए दिया हुआ है, मिडिल अपर लोअर के लिए, बेडरोल वगैरह ऊपर रखा हुआ है भाई। ये देखिए राजधानी एक्सप्रेस के बेडरोल की क्वालिटी, एक ये क्वालिटी है आजकल नॉर्मल ट्रेनों में जो बेडरोल मिल रहा है उसकी कंडीशन। चलो अभी तो इसको रख ही देते हैं। तो कोच के अंदर आकर बैठने के बाद इतना ज़्यादा भाई सुकून मिल रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। बाहर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना कि मतलब अगर आप 5 मिनट बाहर खड़े हो गए तो भाई पसीने से पूरा भीग जाएंगे। डिहाइड्रेशन होने का इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी वानी पीते रहें ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो मेनटेन रहे। ना भाई इस समय तो बहुत बुरा हाल है भाई गर्मी के मामले। और ये जो टाइम है ना शाम का टाइम, ये भाई इस समय बैक टू बैक राजधानी एक्सप्रेस निकलती हैं, रांची राजधानी से शुरू होता है और लास्ट अपनी पटना राजधानी लास्ट में जाती, मतलब इस टाइम पर शाम को 4 से 5:30 के बीच लगभग 5 राजधानी एक्सप्रेस एक साथ निकलती हैं, एक के पीछे एक पूरी राजधानी गैंग चलती है। मज़ा आने वाला है भाई इस जर्नी में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार इस जर्नी को लेकर, खुशी इस चेहरे से आपको पता चल ही रहा होगा। तो अब से लगभग 5 से 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट होने वाली है नई दिल्ली से। बाकी चलिए अब आपके साथ ट्रेन नंबर 12310 की रूट शेड्यूल और टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। ये ट्रेन डेली नई दिल्ली से शाम को 5:10 पर डिपार्ट करती है और नेक्स्ट डे आपको सुबह 5:15 पर पहुँचा देती है राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना। टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे लगभग 1000 किलोमीटर का टाइम लगने वाला है, 12 घंटे 5 मिनट। इस दौरान हमारे टोटल 4 हॉल्ट होने वाले हैं और हम लोग एवरेज स्पीड रहने वाली हमारी 83 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम हम जाने वाले हैं 130 किलोमीटर पर आवर। रूट हमारा और रूट और हॉल्ट हमारे होने वाले हैं नई दिल्ली से निकलने के बाद कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पटना जंक्शन और लास्ट हमारा राजेंद्र नगर टर्मिनल। बाकी वही ऑटोमेटिक डोर है तो कोच के पास चल के गेट के पास ही खड़े रहते हैं। ट्रेन भाई अपनी बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 5:10 पर नई दिल्ली से डिपार्ट हुई है। बस जितनी इस
मॉडर्न कोच की जो स्पेशलिटी है उतना ही भाई एज अ ब्लॉगर डिसअपॉइंटमेंट भी है। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि भाई डोर क्लोज है, अब जो भी शूट करना है अंदर से बैठ कर शूट करना है। एक जो वो नेचुरल ओवर, एक जो नेचुरल क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म स्किप का जो साउंड आता है ना, ट्रैक साउंड, वो नहीं मिलेगा। अब अंदर से जैसा जो साउंड आएगा भाई आपके लिए कैप्चर किया जाएगा। मज़ा भाई इस जर्नी में बहुत होने वाला है। ताबड़ तोड़ क्रॉसिंग, ओवरटेक, हाई स्पीड, प्लेटफॉर्म स्किप, सब कुछ इसके मिलने वाला है। तो बैक टू बैक ट्रेनें निकलती हैं इस टाइम पर, तो हो सकता है ये भी वजह हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। चलो भाई नई दिल्ली को कहते हैं बाय बाय। तो नई दिल्ली से ट्रेन निकलते ही अपनी प्रीमियम ट्रेन की जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले हमें 1 लीटर का पानी का बॉटल सर्व कर दिया गया। हमारा इवनिंग स्नैक्स हमको सर्व कर दिया गया, इसमें एक टी केक सैंडविच, एक ये गर्मा गर्म कचौड़ी, भाई फेवरेट अपना पतीसा काफ़ी दिनों बाद मिला है, बाकी एक ये डाइट मिक्सचर और एक कैचअप, टिश्यू पेपर, बाकी यार टिकट की जगह मैंने कॉफ़ी का बोला, तो देखते हैं भाई कॉफ़ी मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी चलिए कचौड़ी और सैंडविच का आपको टेस्ट करके बताएंगे, बाकी तो सब अपना पैक्ड आइटम ही है। तो भाई फाइनली अपनी कॉफ़ी आ चुकी है, कॉफ़ी बनाते हैं फटाफट। पानी गर्म, अगर ठंडा हो जाएगा तो भाई सही से मिक्स भी नहीं हो पाएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलिए जी कॉफ़ी अपनी तैयार है। कॉफ़ी मैं बस क्रीमर कम पड़ जाता है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको निकाल के मिला लिया, इसके बाद टेस्ट इसका सही हो गया। बाकी वो ये पैकेट में आता है भाई किसी काम का नहीं है ये। और इधर अपना मेमू जा रही है, ये अपना जाती है मुजफ्फरनगर, पैरेलल चल रही है मेमू के साथ राजधानी की, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। बाकी चलो कॉफ़ी कचौड़ी पहले टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा ही सा टेस्ट करके बताऊँगा। ओहो मिली तो यार गर्म थी, लेकिन शूट वूट कर रहे हैं इस चक्कर में पूरी ठंडी हो गई। कचौड़ी के टेस्ट की बात की जाए, जो कचौड़ी का टेस्ट तो ठीक है, लेकिन ऑयली बहुत ज़्यादा, डीप फ्राई हुई है, ऐसा लग रहा है ना इसको बनने के बाद एक बार फिर से फ्राई किया गया। बाकी स्टफिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा है, जो क्रंचीनेस होता है ना कचौड़ी में बिल्कुल सेम वही फ्लेवर आ रहा है। तो इसको रखते हैं अब साइड में, बारी अपने सैंडविच टेस्ट करने की। सैंडविच तो ये है भाई अपना सैंडविच, और सैंडविच में कुछ नहीं है, बस देखिए सामने केवल मेयोनीज लगा के छोड़ दिया, चीज़ तो भाई है ही नहीं। राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में इस तरह का ये तो एक्सपेक्ट नहीं थी। बाकी चलो टेस्ट देख लेते हैं भाई। बिल्कुल भाई बेकार है, एवरेज से भी बिलो एवरेज है ये तो। स्नैक्स अपना हो चुका, अगर इवनिंग स्नैक्स की बात की जाए तो भाई इवनिंग स्नैक्स मुझे कुछ खास नहीं लगा, बिल्कुल एवरेज सा इवनिंग स्नैक्स था। कचौड़ी का टेस्ट थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन वो ऑयली बहुत ज़्यादा थी। बाकी सैंडविच तो भाई बिल्कुल भी भाई मज़ा नहीं आया। बाकी हमारी जो ट्रेन है ना भाई, गाजियाबाद के बाद चिपिनिया बुजुर्ग पड़ता है, उसके बाद से फ्लैट 130 भाई भाग रही है ताबड़तोड़। वाह यार क्या जबरदस्त स्किप किया है भाई, बस तेजस राजधानी के रैक में यही एक थोड़ी सी भाई कमी लगती है कि डोर ओपन हो नहीं सकते, तो जो ओवरटेक क्रॉसिंग स्किप वगैरह वो बस डोर के अंदर से ही लेना है। हाँ लेकिन ट्रैक साउंड भाई बहुत जबरदस्त आ रहा है। चलिए अब आपके साथ बिहार की राजधानी एक्सप्रेस का थोड़ा सा इतिहास शेयर कर देते हैं। ये ट्रेन का जो पहला रन है वो हुआ था 1 सितंबर 1996 में, इसके बाद 1997 में इस ट्रेन में पेंट्री कार जोड़ा गया था। जब ये ट्रेन शुरू हुई थी तो ये ट्रेन जाती थी आपका नई दिल्ली से वाया लखनऊ होते हुए पटना, लेकिन बाद में इस ट्रेन को वाया कानपुर प्रयागराज वाली लाइन पर डाल दिया गया था, क्योंकि ये जो रूट है ना ये 130 वाई कैपेबल हो गया था इस वजह से। और 21 सितंबर 2021 को इस राजधानी एक्सप्रेस को इसके मॉडर्न तेजस राजधानी एक्सप्रेस के रेक अलॉट हो गए थे। लगभग 27 साल हो चुके हैं पटना राजधानी को, इंडियन रेलवे को अपनी सर्विस देते हुए। आपने कभी पटना राजधानी में ट्रेवल किया है यानी ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इंडिया के अंदर, बाकी हमारे देश में इस समय टोटल कितनी राजधानी एक्सप्रेस चल रही है
उसमें फास्टेस्ट राजधानी कौन सी है और सबसे स्लोएस्ट राजधानी एक्सप्रेस कौन सी है, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपने अब तक ब्लॉग देख लिया है ना यहाँ तक, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ अगली आप कौन सी राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी देखना चाहते हैं या कौन सी प्रीमियम ट्रेन की जर्नी देखना चाहते हैं, ये भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई फ्लैट 130 पे हम लोग स्किप कर रहे हैं खुर्जा जंक्शन को, क्या ज़बरदस्त स्किप कर रही है भाई, प्लेटफॉर्म स्किप का यार अलग ही मज़ा है। अगर यही डोर खुले होते ना भाई, क्या मज़ा आता, वाओ। बढ़िया रफ्तार में हम लोग इस समय अलीगढ़ जंक्शन को स्किप मार रहे हैं। हा हा हा, क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार स्किप अलीगढ़ जंक्शन का, वाओ लवली यार लवली। ये भाई राजधानी की ताकत। उससे पहले आपको वॉशरूम वगैरह दिखा देते कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस के वॉशरूम की क्या कंडीशन है। बाकी ये भाई अपना पूरा पेंट्री का, जहाँ पर ओवन वगैरह दिया गया, फ्रीजर है जहाँ पर अपना पानी ठंडा होता है और जो हमारा खाना रहता है ना वो गर्म होता है। बाकी अपने कैटरिंग वाले भैया हैं जो डिनर की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल चलिए भाई वॉशरूम से। तो इस समय आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम के अंदर। अंदर आते ही भाई ये देखो, पता नहीं खिल रहा, पूरा गेट ही नहीं खुल रहा था, हमें लगा गेट कोई अंदर है टॉयलेट में। बाकी मिरर देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर बेबी के लिए दिया गया, बेबी को जैसे डायपर वगैरह चेंज करना पहनाना इसके लिए, और स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है भाई, सिगरेट विगरेट नहीं पीना, पियोगे तो खट्टा पड़े। बाकी यहाँ पर सोप डिस्पेंसर में सोप भाई आ रहा है, वैसे इनमें पानी आ रहा है। वॉशरूम की कंडीशन भाई एक नंबर है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं कर रहा, बिल्कुल पूरी तरह से मेंटेन है भाई वॉशरूम। शीट भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो इसमें तो भाई कहना पड़ेगा ओबीएच स्टाफ को काफ़ी बढ़िया मेंटेनेंस कर रखा है। राजधानी है भाई तो मेंटेनेंस तो बनता ही है ना। रात का 8 बजने वाला और हमें फाइनली हमारा जो डिनर है ना वो सर्व कर दिया गया। और एक चीज़ इस ट्रेन में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे सावन का महीना चल रहा है ना, तो इस पूरे सावन का महीने आपको इस ट्रेन में सिर्फ वेज फूड ही सर्व होगा, नॉनवेज सर्व नहीं होगा पूरे एक महीने तक। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा है इनिशिएटिव लगा है इंडियन रेलवे और IRCTC का। और मेरे ख्याल से जितनी भी ट्रेनें धार्मिक स्थल को किसी को कनेक्ट कर रही है ना, जैसे नई दिल्ली SBD के वैष्णो देवी वंदे भारत है, उसमें सिर्फ आपको फेवर वेज फूड मिलेगा। तो अनबॉक्स करके देख लेते कि भाई क्या क्या है। अब तक तो है तो फिलहाल पूरा गर्म, एक दही अपना, ये पनीर की सब्जी होगी, दाल राइस, और इसमें होगी ड्राई वेज पिकल। और कटलरी में भाई देखो स्पून दिया गया है, बिल्कुल वुडन स्पून का नहीं यूज़ हुआ है, तो ये देख के भाई अच्छा लगा। मतलब डिनर की जो प्रेजेंटेशन है ना काफ़ी बढ़िया है, एक्सपेक्ट जो हमारा इवनिंग स्नैक सर्व हुआ था उसके मुकाबले। तो चलिए भाई एक एक करके फटाफट टेस्ट करके बता देते हैं। दाल तो दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, दाल का टेस्ट तो यार काफ़ी अच्छा है। बाकी अब बारी है पनीर की, पनीर की ग्रेवी, 4 पीस पनीर है नाम का लेकिन भाई पनीर यार बहुत टाइट है, सॉफ्टनेस तो बिल्कुल नहीं है। टेस्ट की अगर बात करते हैं पनीर भाई बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है, एक अजीब सा ही टेस्ट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये पनीर है कौन सा। और ये अपनी आ गई ड्राई वेज,
ड्राई वेज तो बढ़िया है, लेकिन पनीर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, उसके मुकाबले पनीर भाई बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं है। और ये अपना जीरा राइस, जिसमें जीरा अगर ढूंढेंगे तो आप मिल जाएगा, वैसे दिखाई तो नहीं दे रहा मतलब तो थोड़ा बहुत जीरा डाला हुआ है। बाकी पराठे गर्मा गर्म है, दही है मदर डेरी का। तो ओवरऑल डिनर की अगर बात की जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन मेन सब्जी से जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले भी थोड़ा बहुत तो वाइट डिसअपॉइंटमेंट है। चलो वाइट जो है वो है, फिनिश करते हैं फटाफट। तो जी अपना डिनर भी कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोगों ने क्रॉस किया था इटावा जंक्शन को। मैं डिनर कर रहा था तो मैंने स्किप नहीं लिया, बाकी अंदर बैठे हुए भाई अंधेरा हो गया तो इसके कुछ तरह से आ भी नहीं रहा। बाकी ओवरऑल डिनर की बात की जाए तो दाल भाई काफ़ी बढ़िया थी, पनीर की सब्जी थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगी, पनीर का जो था भाई काफ़ी टाइट था, मतलब जैसे एक सॉफ्ट होता उसको बिल्कुल ऐसे काटना पड़ रहा था, ये था। तो अगर ओवरऑल स्नैक्स और डिनर की बात की जाए तो स्नैक्स के मुकाबले डिनर काफ़ी बढ़िया सर्व हुआ था, पटाठे वगैरह सब एकदम गर्मा गर्म सर्व हुए थे। अब कुछ देर में हम लोग हमारी ट्रेन के फर्स्ट हॉल्ट भी पहुंचने वाले हैं कानपुर सेंट्रल, तो चलिए अब सीधे आपको मिलते हैं कानपुर सेंट्रल। तो जी लगभग 440 किलोमीटर की नॉन स्टॉप राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, द लेदर सिटी और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर सेंट्रल। बाकी मैंने स्टैंड पर यहीं डिवोल्ट कर दिया है क्योंकि अब इसके बाद जो जर्नी है ना ओवरनाइट जर्नी थी, सिर्फ सो के ही पहुँच जाना था पटना तक, क्योंकि सुबह 4:30-5 बजे पहुँच जाती है। तो मैंने सोचा यार पटना से जाकर वापस आना, घर जाना या और किसी जर्नी पर जाने का कुछ मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ से कई ट्रेनों में मुझे टिकट अवेलेबल मिल रहा है। तो देखता हूँ प्लान करते हैं भाई आगे किस ट्रेन में टिकट किया जाए। और कानपुर की अगर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अपना ये NCR जोन के प्रयागराज डिवीज़न के अंडर में आता है, इंडिया के टॉप 5 मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है हमारा कानपुर सेंट्रल। कैसी लगी आपको ये बिहार की शान पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ भाई अगर व्लॉग अगर भाई जर्नी पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर से बहुत करीब हैं, तो आई होप कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से जल्दी पूरा कर लेंगे।